लिए जा रहे हैं भाई साहब। एक और नौ किसी के साथ और अकेला बंदा ऋषभ क्या कर पाएगा अब। अकेला ऋषभ बचा हुआ है जिसने इस समय हाथ में गन्नी बल्ला पकड़ा हुआ है वो भी सचिन तेंदुलकर वाला। मैं देख रहा हूँ टीम नंबर 7 पीछे से फायदा लेने के लिए तो नहीं आ रही। नहीं और वो रिवाइव बहुत ही बढ़िया नेड। अरे ये अच्छा नहीं इसे तो स्मोक करा है और नेड का मतलब झांसा देख के इस समय स्मोक करा गया है टीम नंबर 15 के ऊपर। टीम नंबर 15 का सिर्फ अकेला बंदा ऋषभ नाम से बंदा जो इस समय अंदर मौजूद है और एक और नॉक एक और नॉक। क्या फाइट्स हो रही हैं। मैं वैसे काफी उम्मीदें थी मेरी ऋषभ ने अपने बंदे खड़े कर दिए और टीम नंबर 9 के काफी नॉक दिख रहे हैं मेरे को। टीम नंबर 9 ने हमला कर दिया है प्री को। इनकी लड़ाई तो हां 15 से हो रही है। केओस वर्सेस फ्यूरी और वर्सेस चायोस अगेन। ओहो हो फ्लैंक करने की कोशिश लेकिन पीछे से कमर पे गोलियां पड़ जाती है होती तो इस समय और वुल्फ कर रहे हैं नेड। पांडे वाइटी का तो पांडे तोड़ चुका और मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही बढ़िया नेड होगा और नेड से इन्होंने नॉक कर दिया पांडे को। बहुत ही बढ़िया वुल्फ ने ये नेड किया था। अभी मुझे लग रहा है कि इनको हमला कर देना चाहिए मगर नहीं कर रहे हैं। एक और नेड अच्छा एक और नेड भाई तू जो मर्जी कर ले मैं एक और फेंकूंगा। नेड को कुक नहीं किया कर देते तो शायद अच्छा रहता मगर इन्होंने नहीं किया। आगे जा रहे हैं वुल्फ ओपी को मैं देख रहा हूं प्रयास और दो नॉक कर दिया बहुत बढ़िया। दो बंदे नॉक तीसरा भी लगभग ओ भाई साहब थोड़ी सात बजे में दो बंदे लगातार बच रहे हैं नॉक कर दिया है। तीसरा भी ले मरे और लास्ट फ्यूरी बचे हैं नॉक हो चुके हैं और आखिरी कोर वाला बंदा जो कि ऊपर मौजूद था उसके ऊपर भी निगाहें इस समय जमा के बैठ चुके टीम नंबर 2015 नंबर की टीम। ओ भाई साहब और इनका एक वैकी नॉक इनका वैकी नॉक हो चुका है यही देखिए आप और ऊपर नेड जा रहे हैं। देखते हैं कि और ये नेड इनके ऊपर बहुत ही बढ़िया इनके सिर्फ जोकर बचे हैं और अगर ये मौके का फायदा ये ले लें तो शायद ये जीत सकते हैं। बंदा आ चुका मगर नहीं लेकिन कोर की कोर तोड़ चुकी और चायोस फिर से जीतने में कामयाब रही और कोर पिछली बार भी चायोस से ही पिटी थी और इस बार भी चायोस कोर को पिटने में कामयाब रहा। अभी ये तो अभी ये खुशी नहीं मना सकते अभी खुशी नहीं मना सकते क्योंकि टीम नंबर 21 इनके पीछे की है। टीम नंबर 21 ने अगर ये लड़ाई देखी है तो उनको अच्छे से पता होगा कि यहां पर एक टीम अभी मालूम है मालूम है मालूम है। अभी बस ये देखना है कि टीम 21 का क्या एक्शन होगा। यहाँ पर टीम 21 यहाँ पर हमला करेगी या फिर दूर से स्नाइपिंग की कोशिश करेगी। वैसे मुझे तो लगता है कि अगर वो उसी वक्त हमला कर देते तो इनके काफी सिर्फ दो बचते और ये 3 हैं सामने 2v3 हो जाता और अगर ये थोड़ा सा संभल कर चलते तो अपना नंबर्स का एडवांटेज। चायोस की टीम इस समय आ रही है रोजोक के अंदर आ गई। चायोस की टीम रोजोक के अंदर आ चुकी है टीम नंबर 22 इस समय सैंडविच होने की स्थिति में। ओहो अगर तो टीम नंबर 22 यहां पर सही से नहीं खेली तो उनका सफर खत्म हो सकता है क्योंकि पीछे भी एक टीम आगे भी एक टीम क्या करोगे मुन्ना भाई। और मैं देख रहा हूँ केओस पीछे कुआ आगे खाई भाई साहब अगर रस्सी नहीं मिली तो भाग जाएगी तुम्हारी लुगाई कुछ भी जो भी है। तो टीम नंबर 22 आ चुके एक बाला बंदा सड़क बंदा खत्म सीधा चायो उसके बंदे ने खत्म कर दिया है टीम नंबर 22 के एक बंदे को। दो बंदे जो मौजूद है ना वो इस समय कल्टी मार रहे हैं भाई साहब हमें नहीं लड़ना हमें जान देखिए तो टीम नंबर 22 के बंदे इस समय कल्टी मार रहे हैं मगर इनके सामने टीम नंबर 9 भी है तो टीम नंबर 15 को ये थोड़ी पता होगा कि कौन सी टीम से लड़ रहे हैं। उनको बस इतना पता है कि यहां पर टीम है और उसके साथ लड़ रहे हैं तो टीम और बस लड़ रहे हैं। टीम 9 हो चाहे 22 हो कोई भी हो यहां पर AWM का भी एक शॉट चला उनके सामने दिख चुका है टीम नंबर 9 का एक प्लेयर बहुत ही बढ़िया पीक था ये। ओ भाई बस कान के बगल से कान 98 का शॉट मिस करा अगर वो मत्थे पड़े तो भाई साहब चाहे उसका ऋषभ नॉक हो गया होता। अरे थोड़ा सा मिस किया मैं देख रहा हूँ वैकी को वैकी के पास AWM है काफी एक बहुत ही अच्छे तरीके से पीक कर रहे हैं घर के पीछे से मगर ये अभी भाई साहब टीम भाग चुकी है वो उनको अपने आप से भाग चुकी है और मैं देख रहा हूँ वैकी ने एक और बढ़िया पोजीशन ले लिया और नॉक कर दिया कार्नेज को बहुत बढ़िया शॉट और एक और बहुत ही बढ़िया स्नाइपिंग कर रहे हैं वैकी बहुत अच्छा फ्लैश दवा निकल रश, रश, रश हो चुका है, रश हो चुका है। मुझे लगा क्योंकि बड़ा ही शानदार अरे खत्म
और यहाँ पर टीम नंबर 15 सबके किल लेकर आराम और से खुशी सबसे बड़ी बात खुशी। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, अगर चाहे उसकी टीम से मैं ये वाला चिकन डिनर ले आती है तो ऐसा वो बराबर कैलकुलेशन की बात करूँ, टीम नंबर 15 को लड़ाई इस समय नहीं करनी और चाहिए। लड़ाई होने वाली है टीम 15 वर्सेस टीम 14 हो चुका है। केओस की ये लड़ाई इन्हें भारी पड़ेगी, सामने ये टीम लड़ाई भारी पड़ने वाली 14। है इन्हें। देखिए वो तो अब ये मैच ही बताएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता, पहले कोई प्रेडिक्शन करने का फायदा नहीं क्योंकि अरे इनके ऊपर गोलियां चल पड़ी हैं। सैंडविच है टीम और नंबर 14 नंबर 14 में मौजूद है। ऋषभ भी इकलौते प्लेयर हैं जिनकी हेल्थ काफी फुल है, लेकिन सामने वाली टीम ऑलरेडी बहुत ही फैली हुई है तो उसका फायदा उनको मिल रहा है। 14 ओ भाई साहब एक ही घर के अंदर तीन दो टीमें मौजूद है, टीम नंबर 14 टीम नंबर 15 आमने सामने। ओ बड़ी मुश्किल से अंदर घुसा भाई साहब, इस एक स्प्रे में दो बंदे और सामने कर दिया व्हाट नॉक अ नेड। और सामने गॉगी की नेड टीम नंबर 22 की तरफ से नेड आया ये, और गॉगी आगे बंदा मौजूद और गॉगी को भी कर दिया नॉक। यहां पर टीम मेरे ख्याल से टीम नंबर 14 खत्म हो चुकी है, टीम 14 खत्म हो चुकी है और टीम 22 यहां पर ही है। टीम 22 अगर यहां पर टीम 15 को एलिमिनेट कर दे तो उनका काफी फायदा हो जाएगा, काफी बढ़िया लूट भी मिल जाएगी। और अभी आराम से केओस के बंदे हील कर रहे हैं, उनको शायद अंदाजा नहीं है कि यहां पर और यहां पर आ ओ भाई साहब व्हाट ओपी नेड, और ओपी नेड के साथ भाई साहब कर ओपी को कर दिया। मैं देख रहा हूं जोकर ओपी वाई सो सीरियस, देखते हैं एक और नेड। ओ भाई साहब लगभग नॉक कर दिया था लेकिन और मैं देख रहा वैकी का बहुत ही बढ़िया पोजीशन, वैकी ने काफी कम हेल्थ कर दी है स्पार्की की। केओस वैकी वाकई इस समय रश कर रहा है, अगर वैकी इस समय रश करने में कामयाब रहता है और टीम में खत्म कर देता तो इनकी टीम के टोटल किल 6 हैं और 8 किल के साथ और ओहो भाई साहब बड़ा ही जबरदस्त मुकाबला भाई। टूटू बहुत बढ़िया नेट कर रहा है और स्पार्की और वैकी एक ही घर में, स्पार्की बाहर आए हैं। देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर ही है कि एक प्लेयर वहां पर नेड मार मार के उनको बिजी रख रहा है, वो सभी के चारों रश नहीं कर रहे हैं और नेड फेंका है सामने। 22 की टीम रश कर रही है 22 और नेड से स्पार्की को कर दिया है नॉक। एक नेड के साथ एक नॉक और रश हो चुका है, सब किल रजिस्टर करने को रह गया बस। अब और इसी के साथ 15 टोटल किल, अगर की टोटल की जीवन इस तरीके से चढ़ रही है कि वो अपने आप को मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो क्या लाठी टूटेगी या सांप जाएगा मर वो भाई साहब चलेगा थोड़ी देर के बाद पता, क्योंकि टीम नंबर 21 को पता कि टीम नंबर 7 की लोकेशन कहां पर है। देखिए गोली का प्रहार टीम 7 को यहां पर दोनों की दोनों दोनों के दोनों इस समय मौजूद है एक छोटे से बाथरूम के अंदर बाथरूम और नेड होने वाला है। एक कूद चुका है और दूसरा तो नेड के साथ शायद मर जाए अगर कूदे ना तो, और लियो को कर दिया है नॉक भाई साहब। पर इतने इतने क्लोज कॉम्बैट आपको नहीं देखने को मिलते होंगे जितने यहाँ पे देखने को मिलते। टीम नंबर 24 जो कि पहला चिकन जीती थी, टीम नंबर 18 जो कि दूसरा चिकन जीती थी, टीम नंबर 15 जो कि अभी तक सिर्फ टॉप 4 में दोनों मैच में लगातार आई है उनके से 12 किल है, और लगातार जो जो टीमें हैं टीम नंबर 24 और टीम नंबर 18 अभी तक एक भी किल अर्जित करने में कामयाब नहीं रही है। तो भाई साहब मुकाबला इतना कड़ा हो चुका है ड्रॉप की ओर, मुझे लग रहा है कि ये ड्रॉप की ओर जा रहे हैं कि केओस का शायद मन नहीं भर रहा कि ये जो अपनी लेवल 3 का हेलमेट वेस्ट है इसको रिन्यू करें, अगर उसके अंदर AWM होगी तो गोलियां भी ले लेंगे, मगर ये धीरे धीरे क्लोज आते जा रहे हैं टीम नंबर 13 की ओर। अब देखना ये है कि क्या टीम नंबर 13 और टीम नंबर 15 में फाइट होगी और अगर होगी तो जीतेगा कौन। मैं तो नहीं चाहता कि टीम नंबर 13 और टीम नंबर 15 भिड़े, क्योंकि अगर टीम अभी भिड़ चुके हैं घाटा टीम नंबर 15 का ही होगा, घाटा टीम नंबर 15 का ही होने वाला है अगर वो भिड़ जाए टीम नंबर 13 से, क्योंकि उन्हें चिकन डिनर चाहिए ही चाहिए अगर टूर्नामेंट जीतना है तो, क्योंकि उनके पॉइंट्स थोड़े से कम हैं अगर टीम नंबर 24 और टीम नंबर 19 की अगर मैं बात करूं तो 18 की। और मैं यहां पर देख रहा हूं टीम 15 और 13 के बीच में लड़ाई हो चुकी है ऑलरेडी। नॉक ओ भाई साहब जोकर ओपी ने क्या कारनेट का शॉट लिया और सीधा मत्ते पे दी है गोली, और ये इधर उधर देख रहे हैं और प्लेयर्स को
अभी तक तो शायद फाइन, तो अभी देखना ही है कि क्या ये कुछ पुल कर पाते हैं। एडब्ल्यूएम के शॉट चल रहे हैं जो कि मुझे लग रहा है कि जोकर ओपी चला रहे हैं। जी हाँ, जोकर चला रहे हैं। सामने उनको टीम नंबर 18 दिख गई और टीम नंबर 18 के ऊपर उन्होंने कर दिया शॉट, और टीम नंबर 18 अभी ब्लू जोन के अंदर आ चुकी है, तो ये काफी आगे वाला ब्लू जोन है और इन्होंने एक उनको काफी डैमेज दे दिया, इनको काफी प्रॉब्लम होने वाली टीम 18। और मुझे लग रहा है शायद नहीं टीम वो है जो पिछला वाला चिकन लेके आई थी, मुझे नहीं लग रहा कि टीम 18 को ये सेफ जोन के अंदर पहुंचने देंगे, सेफ जोन के अंदर नहीं पहुंचने देंगे। जी हाँ, अरे पहुंच ही पाए थे, लेकिन किंग पिन अभी जिंदा है, किंग पिन अभी जिंदा है मेरे दोस्त। ज्यादा देर तक नहीं, ज्यादा देर तक नहीं, वेनम अभी जिंदा है, वेनम का वेनम देखते हैं। ये तो 24 के नंबर के टीम से बचाया उसको, और रे 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 भाई साहब हाई बोल्ट देख लो, और किंग पिन का एक बंदा नॉक होने वाला मर भी चुका है, और किंग पिन अभी जिंदा है, और साथ साथ उसका दूसरा बंदा जो है वो भी जिंदा है, और चाहे उसकी टीम के ऊपर अब चाहे उसकी टीम लड़ेगी 24 से। ओ भाई साहब क्या मुकाबला हो रहा है भाई, जो मैंने उम्मीद करी थी वही मुकाबला इससे मैं देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर मुझे देखना ही पड़ेगा ऊपर से टीम 24 के, अरे टीम 18 का ये बंदा अपना रिवाइव करने जा रहा है मगर उसको कोई जाने नहीं दे रहा है, हर जगह पर उसको नेड मिल रहे हैं और हमले शुरू हो गए हैं, और वेनम को कर दिया टीम नंबर 18 खत्म। 24 वर्सेस टीम नंबर 15, अगर टीम नंबर 15 को ये मुकाबला जीतना है तो उन्हें टीम, अब तो देखो अगर 24 नंबर की टीम इसमें जीतती है तो वो 35,000 रुपए जीत जाएगी, शर्त के साथ मैं कह चुका हूँ, क्योंकि वो पहला चिकन डिनर लाई थी, दूसरे में वो सेकंड आए थे और तीसरे में भी वो सेकंड तो आ ही चुके हैं, तो अगर उन्हें टीम नंबर 15 को खत्म करना हो, 35,000 जीतने हैं तो खत्म करना ही पड़ेगा टीम नंबर 15, और काफी ज्यादा खेल अर्जित कर चुकी है, और टीम नंबर 15 भी लगभग दो बार तो टॉप 3 में आई है, मगर टीम 24 के पास प्लेयर कम है, टीम 24 के पास सिर्फ दो प्लेयर है मगर टीम 15 के पास 4 प्लेयर है, अभी ये चीज का फायदा उनको काफी ज्यादा मिलेगा, अभी वो आराम से हील कर रहे हैं, सबका मुकाबला देखने को मिल रहा है, ऐसी मैथमेटिक्स, और वही टीम है इस समय एंड तक पहुंची है जो लगातार चिकन आई है, टीम नंबर 24 एक चिकन के साथ नेड का मुकाबला चल रहा है, देखो 18 वाली टीम खत्म हो चुकी है और वो मुझे लगता है रेस से बाहर हो चुकी है, तो ओ भाई साहब और एक नेड से कर दिया है नॉक, और ये बिल्कुल गलत नेड, ये बिल्कुल गलत, मगर उसका पिछला नेड काम कर गया, टीम ने नेड के साथ जीत गया।